हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अरविंद है और आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं फ्रॉम पाइथन सेट्स से। सो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैसे हम डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे फ्रॉम पाइथन सेट्स से। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा पाइथन डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। इसका मतलब है हमें लिस्ट के थ्रू डिक्शनरी क्रिएट करनी है। एंड देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन डिक्शनरी सेट ऑफ कीज एंड वैल्यू। कैसे हम पर्टिकुलर सेट ऑफ कीज को लेके डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, सेम इन द केस ऑफ वैल्यू, हम वैल्यू सेट लेके डिक्शनरी क्रिएट कैसे करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक है पाइथन डिक्शनरी सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट करके एक मॉड्यूल आता है पाइथन में, वो कैसे हम यूज करके डिक्शनरी में यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइथन डिक्शनरी सेट लिस्ट टपल। इसका मतलब है लिस्ट ऑफ टपल हमने लेना है एक सेट, उसकी मदद से हमें डिक्शनरी क्रिएट करनी है। और सबसे अंत में हम देखेंगे कैसे हम लिस्ट के थ्रू डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, सिर्फ स्पेसिफिक टू लिस्ट के थ्रू। तो आइए चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक्स की ओर। बट उससे पहले अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर, जो कि है पाइथन डिक्शनरी ऑफ सेट्स की तरफ। तो डिक्शनरी को हम क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट डेक्ट एक मॉड्यूल आता है वो यूज करेंगे इसके अंदर। और वो क्या करेगा, वो असाइन करेगा की वेरिएबल इन द लिस्ट, उसके साथ ही वैल्यूज को भी। सो डिफॉल्ट डेक्ट करके एक फंक्शन भी है जो कि डिक्लेयर कराता है, और इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट हम पास नहीं कराते हैं और ये कभी एरर रेज भी नहीं करता है। तो ये हमारा सिंटेक्स रहा जिसका है डिफॉल्ट डेक्ट। इसके पैरेंथेसिस के अंदर हमने डिफॉल्ट फैक्टरी एक यूज किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कैसे हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं फ्रॉम टू सेट्स इन पाइथन। तो ये रही हमारी सबसे पहले एग्जांपल, जिसमें सबसे पहले मैंने एक इंपोर्ट करवाया अपना मॉड्यूल डिफॉल्ट डिक्ट फ्रॉम कलेक्शन की मदद से। उसके बाद मैंने डिफॉल्ट डिक्ट करके एक फंक्शन यूज किया, उसके पैरेंथेसिस के अंदर हमने सेट फंक्शन असाइन कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे ये देखते हैं। अब सबस्क्रिप्ट मेथड हम जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू हमने एम्प्लॉयज आईडी करके एक एज अ डबल कोटेड में रखा, और इसी के साथ हमने वैल्यूज असाइन कर दी इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरीज। सेम इन द केस ऑफ एम्प्लॉय एज, ये एज अ की कंसीडर कर रहे हैं हम, बट ये लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं। आगे हम इसका बेनिफिट बताते हैं कि कैसे ये डिक्शनरीज के अंदर काम करेंगे, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय एज। तो चलिए मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इस कोड को। जैसा कि आप देख रहे हैं डिक्शनरी क्रिएट हो गई है हमारे दो सेट की मदद से, जो कि है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय एज, वो एज अ की कंसीडर की जा रही है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय एज। और विद इन दिस हमने वैल्यूज असाइन कर ली, 945, 98, 134, 23, 56, वो एज अ डिक्शनरी में स्टोर हो चुकी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है पाइथन डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, जिसका मतलब है हम कैसे डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे फ्रॉम लिस्ट की थ्रू इन पाइथन। सो सिंपल सा इसमें एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है सबस्क्रिप्ट मेथड, जो कि पाइथन में अवेलेबल है। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ लिस्ट इंसर्ट करवाएंगे, लिस्ट के अंदर हम नाम कोई कंसिडर कराएंगे जो कि हमारे डिक्शनरी के थ्रू फिर इजीली असाइन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल के थ्रू और देखते हैं कैसे हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं फ्रॉम लिस्ट के थ्रू। तो जैसा कि देख रहे हैं आप हमारी सेकेंड एग्जांपल, इसमें क्या किया है, मैंने सबसे पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर दी। इसके अंदर मैंने कोई वैल्यूज असाइन नहीं की क्योंकि हमें आउटपुट में डिक्शनरी क्रिएट करनी है, ना कि इनपुट में। इनपुट मैंने एज अ एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की। उसके बाद मैंने सबस्क्रिप्ट मेथड यूज किया, जैसा कि आप देख रहे हैं कंट्री नेम और स्टूडेंट नेम एज अ की कंसिडर मैं करूंगा। फिर यूएसए, फ्रांस, जॉर्ज, जेम्स, विलियम इक्वल टू असाइन किया एज अ वैल्यू मैंने। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंट्री नेम में यूएसए, फ्रांस एज अ वैल्यू असाइन हो चुके हैं, स्टूडेंट नेम में वैल्यू एज अ असाइन जॉर्ज, जेम्स, विलियम। ऐसे याद रखिएगा ये कंट्री नेम और स्टूडेंट नेम है, ये की कंसिडर होता है। डिक्शनरी में आपको कंसेप्ट याद ही होगा हमारे प्रीवियस वीडियो में, डिक्शनरी का कंसेप्ट हमें कैसे पता चलता है कि ये डिक्शनरी है, वो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होते हैं, की वैल्यूज की तरह असाइन होते हैं, और उसके अंदर कॉलन का सिंबल दिखाई देता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक का, जो है पाइथन डिक्शनरी सेट ऑफ कीज, जिसका मतलब है कि हमें एक सेट ऑफ कीज लेनी है,
सेट ऑफ कीज का मतलब है कि हमें एक सेट लेना है, उसके अंदर वैल्यूज असाइन करनी है। अब उसी के थ्रू हम एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसके थ्रू लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास एक लिस्ट है जिसका नाम आपने कंट्री नेम रख लिया, उसको एज अ की एलिमेंट कंसिडर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, डिक फ्रॉम कीज करके एक मेथड आता है, वो हमेशा क्या करता है, सिर्फ कीज को एक्सट्रैक्ट करता है। तो वो अगर कीज को एक्सट्रैक्ट करेगा, साथ में उसकी वैल्यू भी असाइन कराएगा। हमने वैल्यू तो इनपुट में कोई असाइन नहीं की है, तो वो बाई डिफॉल्ट नन रहेगी। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे कर सकते हैं हम। तो ये रही मेरी एग्जाम्पल। इसमें सबसे पहले मैंने सेट ऑफ कीज लिस्ट में डिक्लेयर करवाए, जो कि है जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, कंट्री के नेम मैंने असाइन किए हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, डिक फ्रॉम डॉट फ्रॉम कीज करके एक मेथड आता है पाइथन डिक्शनरी के अंदर, वो क्या करता है, कीज को एक्सट्रैक्ट करता है। तो इसी के अंदर मैंने पैरेंथेसिस के अंदर मैंने सेट ऑफ कीज असाइन कर लिए अलोंग विद दैट नन वैल्यू। तो अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स हमने एलिमेंट्स असाइन किए, जो कि की है हमारी जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, और इसी के साथ जो वैल्यूज आ रही है वो है नन। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पाइथन डिक्शनरी सेट वैल्यू। सो इसका मतलब है कैसे हम डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे बाई सेट वैल्यूज इन पाइथन। सेम इस केस में भी हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, जो कि एज अ कंसिडर होगी सेट ऑफ वैल्यू, उसके अंदर वैल्यूज असाइन करेंगे। अब उसी के थ्रू हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सबस्क्रिप्ट मेथड। और ये मेथड हमेशा हेल्प करता है यूजर को टू क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम सेट ऑफ वैल्यूज। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कैसे हम इसको डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने डिक्शनरी क्रिएट कर दी न्यू अंडरस्कोर डिक, जिसमें जो कि मैंने एम्प्टी डिक्शनरी रख ली, कोई इनपुट वैल्यूज इसमें असाइन नहीं किए मैंने। देन मैंने सबस्क्रिप्ट मेथड यूज किया बाय यूजिंग न्यू डिक्ट, जो कि मेरी डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी का नाम था। फिर यूएसए मैंने असाइन कर दिया, अलॉन्ग विद दैट वैल्यूज असाइन कर दी इसकी। सेम इन द केस कंट्री नेम यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इन सब की वैल्यू मैंने असाइन कर दी। अब चलिए देखते हैं कैसे हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं, डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है फ्रॉम सेट ऑफ वैल्यूज से यूएसए 1628 39, यूनाइटेड किंगडम 5698 113। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा सेट डिफॉल्ट का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं उसमें। सेट डिफॉल्ट, सेट डिफॉल्ट एक मेथड होता है जो कि हमेशा रिटर्न करता है द वैल्यू ऑफ ए की विद द गिवन की, और ये हमेशा चेक करता है कंडीशन, अगर की अवेलेबल है डिक्शनरी के अंदर तो ये रिटर्न करेगा वैल्यू, अदरवाइज अगर की नहीं है डिक्शनरी के अंदर तो ये डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। देन इस केस में रिटर्न करेगा नन वैल्यू। सो दिस मेथड टेक्स बेसिकली टू आर्गुमेंट्स, की एंड द डिफॉल्ट वैल्यू, और ये बिल्कुल सिमिलर है गेट फंक्शन की तरह, जो कि पाइथन डिक्शनरी में। तो चलिए देखते हैं हम कैसे सेट डिफॉल्ट मेथड को यूज करके हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, या डिक्शनरी के अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये रही मेरी एग्जाम्पल, जिसमें कंट्री नेम मैंने डिक्शनरी क्रिएट की है, उसी के अंदर मैंने कंट्री नेम्स असाइन कर दिए हैं। कंट्री नेम असाइन करने के लिए मैंने की एज अ की रखा हुआ है एसोसिएटेड फ्रांस, चाइना, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, उसी के साथ मैंने वैल्यू असाइन किया है एज अ इंटीजर वैल्यूज। तो उसके बाद मैंने क्या किया है, सेट डिफॉल्ट की मदद से अब मैं चाहता हूँ कंडीशन चेक करने की, अगर डिक्शनरी के अंदर ये की अवेलेबल है तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फिर वो नन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो पहला हम केस रहेंगे कि जो हमारी डिक्शनरी के अंदर की है चाइना, वो चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे जो हमारी डिक्शनरी के अंदर वैल्यू नहीं है, जापान। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले केस में 145 वैल्यू रिटर्न आ गई, बिकॉज चाइना की वैल्यू इसके अंदर है। जापान का देखें तो हमने कोई असाइन नहीं कराई थी डिक्शनरी के अंदर वैल्यू, तो ये रिटर्न कर रहा है नन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पाइथन डिक्शनरी सेट लिस्ट टपल, जिसका मतलब है कैसे हम डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे फ्रॉम लिस्ट ऑफ टपल्स से। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे लिस्ट ऑफ टपल्स, और उसके बाद डिक मेथड करके एक मेथड होता है डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी पाइथन डिक्शनरी के अंदर, जो कि डिक्शनरी क्रिएट करता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डिक कंस्ट्रक्टर एक यूज़ करेंगे, उसी के थ्रू हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, और वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो टप्पल हो या लिस्ट हो, वो डिक मेथड इजीली क्रिएट करता है डिक्शनरी को। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो ये रही मेरी एग्जांपल, जिसमें सबसे पहले मैंने लिस्ट ऑफ टप्पल क्रिएट कर दी, लिस्ट आउटर में रखी, इनसाइड द मैंने टप्पल असाइन कर दिए इसका, और टप्पल मैंने असाइन किए ऐसे कि
इसके अंदर मैंने इंटीजर वैल्यू भी रखी और एज अ स्ट्रिंग भी रखा। तो उसके बाद डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए मैंने डिक्ट मेथड करके यूज़ किया और इसी के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लिस्ट ऑफ टपल असाइन कर दिए। नाउ वी विल सी द रिजल्ट। सो कन्वर्जन ऑफ लिस्ट ऑफ टपल्स विल बी क्रिएटेड इन टू अ डिक्शनरी। तो जॉर्ज 156, जॉर्ज विल कंसिडर एज अ की और 156 वो वैल्यू है कंसिडर की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरह जो कि है पाइथन डिक्शनरी ऑफ टू लिस्ट, जिसका मतलब है कैसे हम डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे फ्रॉम टू लिस्ट से। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिक्ट और जिप मेथड यूज करेंगे। और ये मेथड क्या करता है, वो हेल्प करता है यूजर को टू कन्वर्ट टू लिस्ट इन टू द डिक्शनरी। सो जो zip मेथड होता है वो बेसिकली क्या करता है, ज्वाइन करता है इटरेबल ऑब्जेक्ट्स को। इटरेबल ऑब्जेक्ट्स का मतलब है वो लिस्ट भी हो सकती है और टपल भी हो सकती है। और ये मेथड क्या करता है, वन और मोर इटरेबल्स को एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने लिस्ट वन क्रिएट की, लिस्ट टू भी क्रिएट कर दी। लिस्ट वन के अंदर मैंने कंट्री नेम्स डाल दिए, USA, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम। लिस्ट टू के अंदर इंटीजर वैल्यूज मैंने असाइन कर दिए। अब मुझे डिक्शनरी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने डिक्ट मेथड यूज़ किया और विद इन दिस पैरेंथेसिस मैंने जॉइन करने के लिए जो इटरेबल ऑब्जेक्ट है उसके लिए मैंने जिप कर दिया। डिक्ट मेथड का हमने जिक्र हमने सबसे पहले कर ही दिया था, वो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है, USA 12, ऑस्ट्रेलिया 34, जर्मनी 56, यूनाइटेड किंगडम 78। सो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हुआ और हमने देखा कि कैसे हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं सेट के थ्रू। तो आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।